हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, अगर आप लखनऊ में कहीं पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रॉपर्टी की वीडियो जो है लगातार अपलोड होती रहती है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एहसन और आज हम आए दोस्तों बहुत बेहतरीन आपको साइट विजिट कराने के लिए, जो कि आसरापुरम की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई दोस्तों उसी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है आसरा गोल्ड के नाम से। लोकेशन भी दोस्तों सेम वही है, लखनऊ कानपुर हाईवे से मान के चलिए मात्र ये 500 मीटर की दूरी पे होगा। तो इस साइट से जुड़ी जो है और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने साथ जोड़ते हैं विशाल जी को। तो विशाल भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे तो विशाल भाई, जैसे कि वाली साइड हमने दिखाई जी। तो और इस वाली साइड में दोनों में क्या फ़र्क है, क्या मतलब फ़र्क आप दे रहे हैं? जैसे कि आपने बताया उसमें 25 फीट की रोड थी, इसमें जो है जी 30 फीट की रोड आप दे जी रहे हैं। जी इसमें मकान कितने हैं और लोकेशन क्या है? या ये जो हमारा फेज है, ये बस जो ऐसा आपने फर्स्ट फेज हमारा देखा आसरापुरम, उसी से एकदम लगा हुआ लगा प्रोजेक्ट हुआ है। प्रोजेक्ट है, वो हमारा मेन हाईवे से 300 मीटर पे, ये मेन हाईवे से 500 मीटर पाँच पड़ता सौ है मीटर पे। अच्छा, जी। रास्ते भी मैंने देखा है कि दो हैं, एक बाहर से भी आप आ सकते हैं और एक कॉलोनी के अंदर से भी, बिल्कुल उस कॉलोनी बिल्कुल से इस कॉलोनी में दाखिल होने का भी एक रास्ता दिया हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है, अटैच है। तो आप अंदर से भी आ सकते हैं, बाकी बाहर से जो मेन रोड हाँ, से वो तो वहाँ आपकी से आती है तो आती उससे है, भी ठीक आप आ सकते हैं। है। बाकी अगर इस सोसाइटी में हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो हम रोडे दे रहे हैं वो 30 फीट की रोडे दे तीस रहे फीट हैं, की दे रहे हैं। और डिफरेंस है यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं आपका, जैसे एक विजिटर्स पार्किंग की हमने एक चीज़ और ऐड की है जो हमारे ये साइड में हम डेवलप करेंगे अभी, चाहिए तो जी यहाँ पे पार्किंग स्पेस आप अलग से दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं। मतलब कॉलोनी के अंदर तो 30 फीट की रोड दे रहे हैं, वहाँ भी हाँ इंसान खड़ी कर लेगा और पोर्च भी होगा, जी और उसके जी अलावा भी पार्किंग यहाँ पे दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल यहाँ पे बहुत भी अच्छी सुविधा है पार्किंग दे रहे पार्किंग हैं, की। जस्ट बिकॉज कि आपने जैसे हमारा फर्स्ट फेज में देखा तो लोगों के पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं हाँ, तो रोड तो पे रोड खड़ी पे हो खड़ी जाती है, करती हैं, तो आने जाने में लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम सा होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो सिचुएशन ना आए इस वजह से हम यहाँ पे अपनी पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग स्पेस अलग से दे रहे हैं आपको। ठीक है। और गेटेड कॉलोनी तो है ही, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट लगा हुआ है, हम लोग इस टाइम जो है गेट पे खड़े हुए हैं दोस्तों। आसरा गोल्ड जो है नाम है इसका, तो लोकेशन तो सेम वही रहेगी लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर दिए। जी लोकेशन की बात करें तो ये आपका लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे से ये 500 मीटर पे सोसाइटी हमारी है, और आपका जो है इस सोसाइटी का नाम आसरा गोल्ड हमारे आसरा हैं। गोल्ड, और आस पड़ोस में जैसे हम स्कूल्स की बात करें अपने, तो स्कूल्स यहाँ पे आपको ग्रीन बैरी इंटरनेशनल स्कूल, जॉर्जेस एकेडमी, अवध कॉलेजिएट, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, स्काई पब्लिक स्कूल और आपका सेंट थॉमस स्कूल जो है विद इन अ 2 to 3 किलोमीटर्स की रेंज में आते हैं, जिसमें से आपका अवध कॉलेजिएट, स्काई पब्लिक और जॉर्जेस एकेडमी यहाँ से तो लमसम 1 किलोमीटर की ही एक डिस्टेंस पे किलोमीटर है, इससे होगा, ज़्यादा की नहीं है ठीक है। जी। और चारबाग और अमौसी यहाँ से कितना डिस्टेंस? चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से आपका वही 14 किलोमीटर ही चौदह पड़ेगा आपका, और आपका जो अमौसी, अमौसी जो है मेट्रो स्टेशन की बात करें तो यहाँ से लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर चार की साढ़े चार किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ेगा है जी, ठीक है। तो बाकी अगल बगल में जो है सारी सुविधाएं तो दे रहे हैं आप, तो बगल वाली सोसाइटी भी बिल्कुल जस्ट इसके बगल में है, तो इसमें जो है कितने मकान बना रहे हैं और मकान जैसे कि बन रहे हैं बनते हुए नजर आएंगे? एक बार जो है कैमरा घुमा के दिखा दीजिए अंदर से सोसाइटी कि इस साइड में जो है यहाँ पे मकान बन रहे हैं और भी जो है मकान बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ इसमें जैसे कोई मकान लेता है तो जी कब तक पोजीशन देंगे और रेडी टू मूव है कि नहीं है इसमें? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मकान हमारे हैं कुछ मकान अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कुछ नियर अबाउट फिनिशिंग के कंडीशन में है, तो आप जो है जैसा भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपका डिमांड है कुछ कस्टमाइजेशन की कस्टमाइज। तो एज पर डिमांड आपकी जो है उस हिसाब से मिल जाएगा। बाकी कुछ हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जो हम आपको 10 से 15 दिन 1 महीने के अच्छा, प्रोवाइड डिफरेंस में आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। कर सकते हैं, बाकी ठीक है। यहाँ पे भी हमारे लोग रह रहे हैं, लोग अच्छा यहाँ भी यहाँ रह पे रहे हैं, भी ठीक शिफ्ट हो चुके हैं। है। तो यहाँ पे किस साइज के मकान हैं और कितने मकान बना रहे हैं यहाँ पे? ये जो यूनिट, ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे हम टोटल 133 यूनिट्स की अच्छा। सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें आपके 500 स्क्वायर फीट भी हैं, 968 एक हमारा नया अच्छा। यूनिट लॉन्च किया है वो बना रहे हैं, इसमें 1125 आपको मिलेंगे, 1260 स्क्वायर फीट में हैं और आपको 800 स्क्वायर फीट के साइज में यहाँ पे मिलेंगे मिल जाएंगे। जी। तो 500 वाला जो आप बता रहे हैं वो रहेगा आपका 1 BHK, और जी उसके अलावा जितने हैं वो रहेंगे 3 BHK, जी 800 वाला भी 3 BHK थ्री बी रहेगा, एच के ठीक हैं है। तो रेट किस हिसाब से है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हैं कि अलग अलग यूनिट पे अलग अलग रेट है? पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे रेट्स यूनिट के हैं, हिसाब से बिकॉज हैं। ऑफ कि जब 500 स्क्वायर फीट को एक मिनिमम रेंज के हिसाब से बनाया जाता है, 800 स्क्वायर फीट को जैसा जो ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें बनाया जाता है। लग्जरिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि ताकि आप जो लें आपके बजट फ्रेंडली भी हो और आपको जो नीड्स हैं, मान लीजिए 1000 या 1260 लेता तो उसकी डिमांड थोड़ी अच्छी होती कि लग्जरी सेगमेंट में हम जाएं, तो उस हिसाब से आपकी जो है इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं, आपके बजट का भी पूरा ख्याल रखा जाता ठीक है। है। तो स्टार्टिंग कहाँ से?
मकान? स्टार्टिंग मकान हमारे पास 500 स्क्वायर फीट से है, 1 BHK। उसके रेट जो है वो 22,50,000 से शुरू होते हैं, 22.5 लाख से जो है स्टार्टिंग है जी, 500 स्क्वायर फीट का 1 BHK। 1 BHK और जाएंगे तो मतलब चाहे 1500 स्क्वायर फीट का भी बनवा लो तो बना के दे देंगे यहाँ 2000। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक 2000 स्क्वायर फीट का मकान ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा, 3 फ्लोर का पूरा जो है स्लैब पड़ चुकी है, फिनिशिंग में मकान है। तो अभी वो मतलब हो चुका है सेल आउट, बुकिंग हो चुकी है कि बचा? हाँ, वो बुक्ड हो चुका है, हो चुका है, कस्टमाइज बनाया गया वो कस्टमाइज, वो 1260 के ऊपर का जो भी साइज है वो सारा ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा अच्छा जी। दोस्तों अगर आपने ये इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है आसरा पूरम की, तो उसमें आपने देखा होगा हमने आपको 1250 स्क्वायर फीट का एक 5 BHK मकान दिखाया है, तो वैसा मकान भी सेम जो है यहाँ पे बना के ले सकते हैं। वो था शायद 92 का जी, वो 92 तो उससे कुछ कमी पड़ेगा यहाँ पे अगर। हाँ, वैसा वाला बना, हाँ, वैसा वैसा लेते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा कम पड़ेगा जी। ठीक है, तो दोस्तों इस साइड से जुड़े जो है इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब हम चलते हैं एक बार साइड के अंदर और आपको पूरी साइड एक बार दिखाते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं एक मकान। तो विशाल भाई इसमें जो है पोजीशन दे चुके हैं जी जी, ये 800 स्क्वायर फीट मकान है 3 BHK, इसमें हम पोजीशन दे चुके हैं, मतलब इस साइड में जो है इन्हीं को सिर्फ पोजीशन मिली है अभी तक, एक ही मकान में एक लोग रह रहे हैं, पोजीशन दे दिया है। तो इसके बगल में जो मकान है ये वाला दिखा देते हैं, ये कितने स्क्वायर फीट है और कितने बी एच के? ये भी भैया 800 स्क्वायर फीट ही है। अच्छा, 20x40 में आपका, और ये 5 BHK हाउस है। 5 BHK इसकी बुकिंग जो है हो चुकी है? हाँ, ये बुक हो चुकी है, कस्टमाइज बनवाया है 5 BHK कस्टमाइजेशन का है 800 स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों आपको जो है याला भी दिखा देते हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो में रुके रहिएगा दोस्तों। हम लोग चाहते हैं जो साइड हम आपको दिखा रहे हैं उसकी उससे जुड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है आप लोग पहुँच सके, और जो है क्लियरिटी बिल्कुल आ सके, आप सब समझ सकें कैसे मकान यहाँ पर बन रहे हैं, कैसे कैसे बन के मिल सकते हैं, क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं आसपास में। तो ये जैसे कि पोर्च है, यहाँ पर लग जाएगा इसका गेट, एक वॉशरूम जो है आपको इधर मिल रहा है। आप भी चाहें 800 स्क्वायर फीट में ऐसा मकान बनवा सकते हैं। ये हो गया इसका ड्राइंग रूम, 8 फीट के जो है यहाँ पे आपको दरवाजे मिल जाएंगे। इसमें विंडो आप ऐसे ही दे रहे हैं कि वैसे ही देंगे लकड़ी वाली? ये कस्टमाइज है ये, इसमें ये भी ऑप्शन है। अच्छा, अब जो भी चाहें, ये बेसिकली आपका जो है कॉस्ट जो आपकी बचाता है, प्लस देखने में लुक थोड़ा बेहतर आता है, उस वजह से इसको लगाएंगे। बाकी आप जो चाहेंगे कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है आपका। ठीक है, पूरे में फॉल सीलिंग मिल रही है जैसे हमने आपको दिखाया था। इसमें टाइल्स जो है 2.5x2 के टाइल्स लगे हुए हैं। इसमें आप जैसे देखेंगे कि ड्राइंग रूम और ये आपका डाइनिंग एरिया हमने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि छोटे मकान में बेसिकली ये होता है कि अगर हम इसको पार्टीशन करते हैं तो छोटा और छोटा ही होता जाता है, एक वॉल हटाने से हमको दोनों जगह पे प्रॉपर स्पेस मिल गई। ठीक है, ये जो है आपको मिल जाता है किचन, ये दोस्तों किचन है, मॉड्यूलर किचन बना के दिया जाएगा विद चिमनी जो दिया जाएगा, ये आपका किचन हो गया। पूरे में इसमें देख लीजिए, पूरे में फॉल सीलिंग है, 2 बेडरूम जो है आपको इस तरफ मिल रहे नीचे, ये देखिए 1 बेडरूम आपको ये मिल रहा, मास्टर बेडरूम है ये, 1 बेडरूम जो है आपको ये मिला जा रहा है, बढ़िया साइज दोस्तों आपको जो है इसका भी मिल रहा है, 12x मान के चलिए 11। ये आपको इससे जो है एक OTS और वॉशरूम जो है इससे अटैच मिल रहा है जी। इसकी भी जो है पूरे में फॉल सीलिंग बनी हुई है दोस्तों। साइड अभी नई नई चालू हुई है, बहुत ज़्यादा जो है आपको इसमें ऑप्शन है, चाहे तो 800 स्क्वायर फीट में ऐसे ही बनवा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे एक 968 स्क्वायर फीट का मकान, क्योंकि देखने में दोस्तों आपको 968 नहीं लगेगा, काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़े बड़े रूम है उसमें, एक रूम इसमें आपको ये मिल जाता है,
ऊपर फॉल सीलिंग वॉशरूम जो है दोनों बेडरूम से अटैच आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, ऊपर दो बेडरूम ऊपर दिए होंगे? ऊपर तीन बेडरूम, तीन बेडरूम ऊपर दिए हुए हैं। टोटली 5 BHK हाउस है ना? 5 BHK, तो इस वजह से तीन बेडरूम ऊपर, दो बेडरूम नीचे। जी ठीक है, यहाँ पर से जीने, इस पे जो है रेलिंग लग जाएगी। अभी दोस्तों विशाल भाई, अभी जैसे आके यहाँ पे कोई बुकिंग कराता है जी, तो जैसे कि अभी मकान बन रहे हैं, कुछ छूट मिलेगी उसको, डिस्काउंट? भैया बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मकान लेता है तो बाकी चीजें तो मैं आपको जो है वो है, बट क्या है कि क्योंकि ये इनिशियल फेज का है तो जो स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट रहता है प्लस जो एंडिंग की, जैसे हमारे वो सोसाइटी और सोसाइटी में कंपेयर करें तो ये इनिशियल स्टेज पे है, तो जब ये सोसाइटी कंपेयर हो मतलब कंप्लीट होगी तो आपका ऑलरेडी जो पर्सन जिसने भी लिया होगा वो 10 से 15 लाख रुपए के प्रॉफिट में ऑलरेडी वो होगा ही होगा। और प्लस अगर वो यहाँ पे रहता है तो वेल एंड गुड है, वरना वो अपना रेंट पे भी उठा सकता है जिससे उसको EMI में काफी हद तक बचत हो जाएगी, बाकी अदर जो फैसिलिटीज हैं उसमें भी उसको काफी ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो ऊपर का दिखाते हैं, एक बेडरूम जो है आपको ये मिल रहा है, ये भी पूरा। अच्छा, पूरा इसमें भी किचन दिया है क्या? अच्छा, किचन का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, नीचे जैसे बना था सेम वैसे ही है, पूरा किचन नहीं है यहाँ पे, हॉल दिया है। चाहे तो किचन बनवा के ऊपर का जो है आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं दोस्तों। जी, एक आपका ये ड्राइंग कॉम जो है डाइनिंग स्पेस हो गया, दो बेडरूम जो आपके हो गए, एक इधर और एक इस तरफ जी, और एक बेडरूम और ये बेडरूम का पोर्शन। अच्छा, ये बेडरूम का पोर्शन, बट क्या है खुला कर दिया गया तो वो बेडरूम और डाइनिंग का कंबाइन में आ गया है। ठीक है, और दोस्तों इस ये जो साइड है, जैसे आसरापुरम था, ये है आसरापुरम, इसमें एक चीज की जो है आपको जितने भी मैंने मकान देखे, एक चीज की और मकानों से और साइडों से जो है एक अच्छाई हमको लगी है कि यहाँ से जो है आपको फिर जीने दिए जाते ऊपर जाने के लिए, ऊपर जो है आपको ममटी मिलती है, इस वजह से जो है इसका कवर्ड एरिया थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, मान के चलिए 150-200 स्क्वायर फिट आराम से बढ़ जाता है। यहाँ से देखिए फिर सीने दिए गए, और जगह यहाँ से जीने नहीं दिए जाते, बैक साइड से जो है एक सीढ़ी लगा दी जाती है, बस यहीं पे जो है मकान एंड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बाद में फ्यूचर बनवाते हैं दोस्तों तो बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा तोड़वाना फुड़वाना भी पड़ जाता है। जी, तो ये मकान हो गया, ऊपर जो है सिर्फ ममटी दी है। तो अब हम चलते हैं 968 वाला मकान दिखाते हैं, तो उसका रेट क्या रहेगा 968 का? 968 जो उसका मकान है वो यहाँ पे आपको 52 का है, 52 3 BHK, 3 BHK है, पूरा लग्जरी सेगमेंट का। अच्छा, तो चलिए आपको मकान दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 968 स्क्वायर फीट वाले मकान आपको दिखाने के लिए, जो कि ये वाले मकान बन रहे हैं। यहाँ पे मकान बने 968 के तीन, जैसे आप देख सकते हैं, एक वाला मकान है, एक ये चार मकान है, लास्ट में भी ये चार मकान यहाँ पे बन रहे हैं। एलिवेशन आप इसका देख लीजिए, पूरे में जो है आगे टफन लगेंगे यहाँ पे, और कितना हाईवी मकान है आपको जो है ये डबल मंजिल का, तीन मंजिल का लग रहा होगा। ऊपर जो है ममटी दी, इस वजह से जो है इसका एलिवेशन देख लीजिए, इतना खूबसूरत निकल के आया है। तो इसका फ्रंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, कितना है ये? 24 फुट 2 इंच। अच्छा, 24 फुट 2 इंच, और गहराई कितनी है? 40 फिट की। जी ठीक है, तो यहाँ पे कैसी रोड बनाएंगे? 30 फिट की रोड है ना? जी पूरी यहाँ पे रोड जो है आपकी RCC रोड मिलेगी। अच्छा, ये देख लीजिए पार्क है दोस्तों, पार्क जो है यहाँ पे पहले से तैयार कर दिया गया है, अभी बारिश के बाद जो है और इसको डेवलपमेंट कर दिया जाएगा। तो अभी इस साइड में मकान बचे हुए हैं? हाँ, ये इसमें हमारे तीन मकान सोल्ड आउट हैं अभी। अच्छा, इसमें से एक मकान आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सामने जो है पार्क भी रहेगा, और मेन गेट देख लीजिए वो सामने लगा हुआ है, मेन गेट सामने मतलब गेट के पास में जो है अभी मकान यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें डामर रोड बनाएंगे कि आप RCC वाले की इंटरलॉकिंग वाली? RCC रोड रहेगी, RCC रोड रहेगी, पूरी RCC रोड रहेगी ताकि सालों साल चल सके। जी, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, पीछे कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे काम चल रहा है, सारे मकान जो है पिलर पे बन रहे हैं, देखिए सब में पिलर हैं, दो मकान बन रहे हैं तो दोनों के पिलर जो है अलग 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 है। बिल्कुल, मतलब काफ़ी मजबूती से मकान बन रहे हैं। इसमें सरिया कितने MM की डाल रहे हैं? इसमें सरिया की बात करें तो जो आपका टाई बीम और कॉलम्स की बात करें तो 12 mm की सरिया पड़ती है। अच्छा, और जो छत में है वो आपकी 10 mm की, 10 mm की पड़ रही है। ठीक है, नीचे टाई बीम पड़ी हुई है जी, लटक भी पड़ी होगी। हाँ, लटक पूरे लटक बीम तो आपको जैसे ये सामने नजर आ रहे हैं लटक, बाकी अंदर सब बंद हो चुके हैं तो अंदर ही नजर नहीं आते। अच्छा, तो ये मकान जो हम लोग दिखा रहे हैं ये अवेलेबल है? जी ये मिल जाएगा। जी ये मिल जाएगा, और सेम ऐसा ही बना हुआ रहेगा, कस्टमाइज नहीं है ये, मतलब आपने बनाया है? हाँ, ये हमने बनाया है। बिल्कुल ठीक है, इस साइड में जो है आपको समरसेबुल मिल रहा है, ये समरसेबुल जो है पंप अंदर हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2-व्हीलर आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। एक वॉशरूम जो है यहाँ पे आपको मिला जा रहा है, वॉशरूम जो है बाहर दे दिया है, इस वजह से जो है रूम के साइजेस जो है थोड़े बड़े हो गए, जी यही कारण है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक कोर्स मिला जा रहा है, बहुत आराम से जो है गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी, जीने काफी ऊपर तक है दोस्तों, बोनट जो है आपकी गाड़ी का पूरा बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, मान लीजिए
और वैसे भी जैसे विशाल भाई ने बताया 30 फीट की रोड मिल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बाहर जो है पार्किंग का स्पेस आपको अलग से दिया गया है, जैसे फ्लैट में होता है जी, कि पार्किंग अलग से रहती है, वैसे यहाँ भी आपको दिया गया है दोस्तों। तो गाड़ी खड़ी करने की मान के चलिए कोई प्रॉब्लम उसमें ही कोई नहीं है, आपकी इशू आने वाला कोई ही ही नहीं है। आने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया आपकी एक एंट्री, और एक एंट्री ये है जी, इधर से हम लोग एंट्री अभी हम करते हैं। लोग ड्राइंग रूम से एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे मकान में 8 फीट के दरवाजे लगेंगे। यहाँ पे जो है आपको विंडो लगा दी जाएगी, जैसे आपने अभी विंडो देखी थी, कहेंगे तो हाँ वैसी, कहेंगे तो लकड़ी वाली लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जैसा कहेंगे हो जाएगा। ये जो है ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है, ये बढ़िया साइज आपको ड्राइंग रूम का मिले जा रहा है। पूरा ही मकान में फॉल सीलिंग दोस्तों आपको मिल जाएगी। इसमें से कोई मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो 4 मकान बने, इसमें से एक मकान बचा है जो कि आपको मिल जाएगा, और एक बिल्कुल। महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब दिवाली से पहले और पोजिशन बस दे जैसा देंगे। आप देख ही रहे, इसमें सिर्फ पेंट रह गया सिर्फ है, पेंट रह गया है बाकी सब ऑलमोस्ट हो गया है सब। तो आपको विद इन अ 15 to 20 days, दिवाली जी, तक, अगर आज लेते हैं तो दिवाली में आप श्योर शॉट यहाँ पे शिफ्ट हो शिफ्ट जाएंगे। हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगी। इस साइड में जो है बन जाएगा आपका किचन, किचन जी, पूरा आपका जो फुल्ली है ऐसे मॉड्यूलर पूरा किचन रहेगा कि रहेगा, एल शेप में रहेगा ना, एल ऐसे शेप पूरा किचन रहेगा आपका, किचन आएगा। यहाँ पे विंडो दी गई है और सीलिंग पूरे में वॉल बनी सीलिंग हुई पूरी है, में रहेगी आपकी। काफ़ी काफ़ी जो है यहाँ पे स्पेस है। और इस साइड में जो है आपको एक और OTS मिल रहा है, ये आपको जो OTS मिले जा रहा है वेंटिलेशन के लिए, और 2 बेडरूम आपको मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, और एक बेडरूम जो है इसमें आपको ऊपर भी दिया गया है। 3 BHK मकान है। जी इस बिल्कुल बेडरूम का दोस्तों साइज़ देखिए, है 968 स्क्वायर फीट, लेकिन आप साइज़ देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा साइज़ है। इसका साइज़ कितना होगा? ये साइज ऑलमोस्ट आपका 12 by 12 12 बाई 12 का साइज़ है। जी। ठीक है, बढ़िया साइज़ है, फॉल सीलिंग पूरे मिल रही है। एक अटैच वॉशरूम जो है आपको ये मिला जा रहा है। वॉशरूम का साइज़ भी आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा जो है वॉशरूम का साइज़ आपको दिया गया, मान के चलिए 5 बाई 6, 5.5 जो है साइज आपको मिल जाता है इसका। अच्छा, बिल्कुल, तार जो लगे हुए हैं ये किस कंपनी के लगे ये हैं? सारे जो है हेवेल्स के तार लगाए जाते हैं। हैवेल्स के। हाँ और स्विच बिल्कुल, सॉकेट स्विच सारे आपको एंकर्स के हैंग मिलेंगे करके। जी, वहाँ मैं आपको बताना भूल गया, जितना भी वायरिंग का काम है सारा हेवेल्स पे रहता है, सारा जितना भी आपके स्विचेस रहेंगे वो एंकर के रहते हैं। टाइल्स और उनकी बात हम कर चुके हैं, कजारिया की और कजारिया। सारी चीज़, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको एक्सटर्नल लगते हैं अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, वो सारी ब्रांड गारंटी के साथ में आती है। तो अपन देखिए, कोई चीज़ होती है स्ट्रक्चर की, हमारी जिम्मेदारी है, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं ब्रांड्स की, वो अपना वो 2 साल 4 साल 5 साल जिस ब्रांड की जितनी गारंटी है वारंटी गारंटी रहती रहती, है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, और बाकी जो हमारी तरफ से सपोर्ट है वो तो आपको हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो एक बेडरूम जो है आपको ये मिला जा रहा है, इसका साइज भी लगभग उतना ही है। जी बिल्कुल, उसमें अटैच वॉशरूम दिया था, इसमें जो है वॉशरूम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको विंडो मिल रही है दोस्तों। इस साइड में किचन रहेगा, यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, मानिए दरवाजा बंद करेंगे तो विंडो खोल सकते हैं। सामने से जो है आपको सब दिखाई दे रहा है, सामने से मकान बन रहे हैं, स्टेयर ऊपर गए, तब ऊपर चलते हैं, ऊपर वॉशरूम भी दिया हुआ है, जी बिल्कुल। यहाँ एक बेडरूम एक तीन वॉशरूम। बाथरूम, तीन आपको बेडरूम के इसका साथ। कवर्ड एरिया कितना है? इसका कवर्ड एरिया आपको यहाँ पड़ेगा 1890 स्क्वायर फीट का तो इसका कवर्ड एरिया जो है 1890 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। जी। ठीक है, जीने पे देख लीजिए दोस्तों, डबल मोल्डिंग के जो है यहाँ पे ग्रेनाइट लगाए गए हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया साइज है। स्टील वाली जो है यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी, इतना स्पेस जो है आपको यहाँ मिल जाता है। और ये है इसकी बालकनी, ये आपको एक स्टोर के जैसा आप इसको यूज कर सकते हाँ, हैं स्टोर दोस्तों, या अपना सिटआउट एरिया आपके इसको तौर भी पे चाहे इस्तेमाल। बंद करवा दें, बंद बिल्कुल, करवा सकते हैं, हाँ ये यहाँ पे ग्लास एक डोर रहेगा लगवा पूरा रहे हैं। आपका। अच्छा, हाँ ये ग्लास पूरा ऊपर तक जाएगा सीधा, ये एलिवेशन के पार्ट है एलिवेशन ये की वजह से। जी। ठीक है, यहाँ पे जहाँ डोर लगवा के इसको सेपरेट स्टोर बन जाएगा हाँ, ये। सेपरेट स्टोर बना सकते हैं आप। हाँ, ये है दोस्तों इसकी बालकनी, इधर से दिखा दिए बालकनी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से पूरे में जो है टफन लगते हुए आएंगे, यहाँ से पूरे में टफन लग के ऐसे लग जाएंगे। फ्रंट से देख लीजिए, सामने ही बिल्कुल जो है आपको पार्क भी दिखाई दे रहा है, ये पार्क है बिल्कुल बच्चों के लिए, सामने जो है सब मकान बन रहे हैं। तो इसमें मकान जो है ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के रहेंगे। बिल्कुल, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के मकान ही मिलेंगे यहाँ पे आपको ठीक है, सारे। ये जो है इसका एक और बेडरूम हो गया ऊपर वाला, बढ़िया साइज जो है इसका भी है, लगभग 12 बाई 12 जो है आपको इसका भी साइज मिला जा रहा है। इस इसमें भी फॉल सीलिंग बनी है, बिल्कुल यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है। तो 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पे कंप्लीट करके मकान जो है आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मकान जो है आपको यहाँ पे बना के दिया जाए तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, 3 से 4 महीने चार में महीने मकान बन में जाएगा, हम आपको कंप्लीट जो कर है, देंगे। जैसे आप कुछ नया हाँ डिज़ाइन या आप कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो जो हमारा स्पेस अभी बाकी है वहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए, हमारे इंजीनियर्स की टीम है, आप आइए अपनी चॉइस बताइए, वो आपके हिसाब से मकान जो है मैप बनाएंगे, आप उसको जब कंफर्म करेंगे तो हम उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, 4 महीने स्टार्ट में हम करेंगे। आपको ठीक पोजिशन दे देंगे मकान है, का। कॉर्नर के भी है मकान इसमें? हाँ, कॉर्नर के भी कॉर्नर अवेलेबिलिटीज के है, कुछ चार्जेस अलग से हैं कि उसी हाँ में 10% एक्स्ट्रा 10% रहेंगे PLC चार्ज अपार्ट है? फ्रॉम
जो आपका रेट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो साइट डिलीवर करी है आसरापुरम, वो जो है आपको उसके मकान सामने दिखाई दे रहे होंगे, एक बार जूम करके दिखा दीजिए। वो जो सामने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे गेट लगा है उसके, उस साइड जो है वो है आसरापुरम, ये है आसरा गोल्ड दोस्तों, लगी हुई सोसाइटी है। लेकिन रेट में जो है आपको फ़र्क मिल रहा है दोस्तों, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का। बाकी आप यहाँ आएंगे विशाल भाई से बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे दोस्तों, तो जो भी डिस्काउंट हो सकेगा आपको आपके लिए किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से फिर आपको स्टेयर दिए गए ऊपर जाने के लिए, जीने पे ब्लैक कलर के ग्रेनाइट यहाँ पे लगे हुए हैं, प्योर जेड ब्लैक ग्रेनाइट आपका इस्तेमाल होता है। मकान दोस्तों काफी मजबूत है, काफी खूबसूरत है, और मेन रोड से जो है ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं, सिर्फ 300 मीटर का डिस्टेंस है, और मोड इसमें मान के चलिए एको नहीं है, बिल्कुल सीधे कानपुर रोड से आप मिलेंगे, बिल्कुल सीधी रोड आई है, बस सीधे जो है आप आसरापुरम पे आगे निकलेंगे। ये हम लोग ऊपर आ गए, यहाँ पे भी पूरे में जो है टफन लगेंगे, यहाँ टफन लगेंगे, ये फ्रंट है, और बैक साइड से जैसे अभी आपको दिखाया था सामने जो है डिलीवर वाली सोसाइटी है। बिल्कुल, तो सामने ये सोसाइटी हमारी डिलीवर, हाँ। प्लस आप सामने इधर पार्थ रिपब्लिक भी देख सकते हैं, अच्छा, जो अपार्टमेंट टाउनशिप बना रहे हैं वो भी। तो आपके मेन चीज़ ये है कि बड़े प्रोजेक्ट आस पड़ोस में है, प्लस बात करें तो यहाँ पे अभी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आ चुकी है, जो लास्ट ईयर जो है अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है, पुलिस लाइन और आपका जो DRDO का सेंटर वो आपके यहीं पास में ही बन रहे हैं, प्लस आपको जो रिंग रोड अभी आपने देखी है वो सारी चीज़ें यहाँ से विद इन अ किलोमीटर की रेंज में ही है दोनों चीज़ें। तो उस पार्ट ऑफ व्यू से भी आप अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट का फेज जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फ्यूचर बहुत इस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, ज़्यादा होने वाला है जी। ठीक है, तो दोस्तों इस साइट से जुड़ी जो है पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आप किसी और तरह की जानकारी चाहते हैं तो नीचे नंबर जो है दिया गया विशाल भाई का, डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में दोस्तों बुकिंग करवाते हैं, जैसे इसमें करवाएंगे या तो वाली साइड में दो तीन खाली उसमें करवाएंगे, तो आपको जो है चिमनी के साथ यहाँ पे फ्रिज जो है आपको दोस्तों नवरात्रि ऑफर में दी जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल पे दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।